नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जनसंपर्क तेजी से सभी वार्डों में हो रहा है। उसी क्रम में जबलपुर के इंदिरा गांधी वार्ड की कांग्रेस प्रत्याशी नीति निखिल शुक्ला का समर्थन में ब्राह्मण समाज के द्वारा एक रैली इंदिरा गांधी वार्ड में निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं इंदिरा गांधी वार्ड के स्थानीय नागरिकों से नीति निखिल शुक्ला के लिए वोट भी ब्राह्मण समाज के द्वारा मांगे गए। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जन इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी नीति निखिल शुक्ला ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से भाजपा के पार्षद जमे हुए हैं, जिनके द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया। अगर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो भविष्य में इंदिरा गांधी वार्ड की समस्याओं का उनके द्वारा निराकरण किया जाएगा। जनता का आशीर्वाद मतदान के रूप में उन्हें मिलेगा, इस प्रकार की आशा उन्हें है। जी इंदिरा गांधी वार्ड से वार्ड क्रमांक 6 से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। मैं एक सभी से अपील करना चाहूँगा कि नाम और पद के लिए अलग भैया को और पार्षद पद के लिए उनको विजयी बनाएं। और मैं सभी सनातन धर्म के पंडित जी को सादर नमन करना चाहूँगी जो हमारा साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हम निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसके दौरान बहुत परेशानियाँ समस्याएँ देख रहे हैं लोगों की। जैसे कल ही बारिश हुई है, इतनी बारिश की वजह से लोगों का घर में पानी भर गया है, नालियों का पानी सड़कों पर आ गया है। नालियों सड़कों में कोई भी फर्क नहीं समझ में आ रहा है। पिछले 15-20 सालों में जो हमारे पूर्व पार्षद महोदय जी ने जो विकास के वादे किए थे, ऐसा कुछ विकास की नज़र नहीं आ रहा है। और जनता से जो उन्होंने जनता ने जो उन्हें शिकायतें बताई उनकी जन सुनवाई नहीं हुई है। और मुझे सभी बुजुर्ग माताओं युवा साथियों का बहुत साथ मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। धन्यवाद। आप वार्ड में भ्रमण किया है, आपने किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली है? जैसे बहुत सारी समस्याएं थी, पानी की समस्या